सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी के व्रत न करने वाले व्यक्ति के और रविवार सूर्य का दिन होता है। आप अगर एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी के आदि के व्रत नहीं करते हैं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर आप शिवरात्रि का व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर आप रामनवमी का व्रत नहीं कर रहे हैं, यहां तो इसमें यह तक लिखा है कि अगर आप रविवार का व्रत नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों है, ये क्यों लिखा है? ये बात आ गई फिर वही पंचदेवों उपासना पर। पांच देवों की उपासना हमारे यहां होती है, एकादशी, नारायण, नारायण का स्वरूप जन्माष्टमी और रामनवमी, जगदम्बा भी आ गई इसमें, रविवार को सूर्य की पूजा भी आ गई आपकी इसमें, शिवजी की पूजा भी आ गई। शिवजी पूजेंगे तो गौरी तो पहले ही साथ में बैठी है, वो तो पूजनी है, और गौरी पूजेंगे तो साथ में गणेश भी पूजेंगे, हो गई पंचदेव उपासना। तो जो व्यक्ति इन व्रतों को नहीं करता वो व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप कई व्रत कर रहे हैं और कई व्रत करते आए हैं, लेकिन अगर आप इन मुख्य व्रतों को नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सब खत्म। लिखा है जो व्यक्ति गलत इरादे से, काम वासना से किसी भी स्त्री को देखता है, किसी भी स्त्री को देखता है, उस व्यक्ति को काककुंड मिलता है जिसमें अरबों कौए होते हैं और वो कौए उसकी आंखों को नोचते हैं, उसको काककुंड मिलता है। अगर आप शुद्ध दृष्टि से किसी माता को नहीं देखेंगे, किसी बहन को नहीं देखेंगे, तो आपको काक कुंड मिलेगा जिसमें कौए आपकी आंखों को नोच नोच खाएंगे, नोच नोच खाएंगे और खूब खाएं, खूब खाएं। लिखा है अग्नि, गाय, ब्राह्मण आदि को झूठा खिलाने वाला व्यक्ति। ये प्रसंग थोड़ा सा ठीक ठीक है, इस पे थोड़ा बोलना पड़ेगा। देखो भैया, बोलने वाले को तो मौका चाहिए किस पे बोले। आज जितनी चर्चा हम कर रहे हैं इसमें से अगर एक बात भी जीवन में उतार ली तो बहुत सारी जीवन की घटनाएं सुधर जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। हमें नहीं मालूम जीवन में हमारे साथ क्या होगा, क्या हुआ है, कैसा होगा, हम कोई कुछ नहीं जानते, लेकिन हम सब इतना जानते हैं कि भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, भगवान ने हमें जो सांसें दी हैं, ये सांसें बड़ी कीमती हैं, बहुत कीमती हैं, और ये जो श्वासें हैं इन श्वासों में जीवन को अगर आप गलत तरीके से जिएंगे तो जीवन की स्थिति बिगड़ जाएगी। अब वहीं आप अगर अच्छे तरीके से जिएंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है साहब। नरक और स्वर्ग की जिस यात्रा की हम लोग बात करते हैं वो तभी तक है जब तक हमारे कर्मों में हमने भेद कर दिया अशुभ और शुभ। इसलिए एक एक श्वास पर हरि का नाम लेते हुए जीवन जियो। काहे का पाप और काहे के नरक, जीवन में वैसे ही कल्याण हो।